हेलो, गुड इवनिंग गाइज, नमस्ते अगेन। मैं आपका दोस्त राजकुमार टराली। मैं आज एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, लेकिन यार आप लोग लाइक शेयर कमेंट नहीं करते तो मज़ा नहीं आ रहा। देखिए, मैं भी यूट्यूब के लिए काम करता हूँ और आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, तो कुछ तो नया लेके आता हूँ, राइट? तो नया में कुछ आज ऐसा है, यू ड्राइव। ये मेरे सामने एक गाड़ी खड़ी है, देख रहे हैं? ये यू ड्राइव एनीवेयर एवरीवेयर ड्राइव 800 यू ड्राइव नंबर ये है। तो ये गाड़ी बहुत महंगी गाड़ी भी है अपने कंट्री के हिसाब से। ये दुबई RTA के अंदर चलता है। RTA मतलब होता है कि रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, UAE का, ये दुबई का एक हिस्सा है। और ये है, आपके पास दुबई का लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस होने के बाद आपका बैंक में एक ऐप होता है, तो ये ऐप से रिलेटेड के बात कर रहा हूँ मैं आज। ये बहुत अच्छा चीज़ है, जिसके पास दुबई का लाइसेंस है उनको गाड़ी खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ये गाड़ी जो है, आपके पास ऐप होना चाहिए, आप ऑनलाइन होना पड़ेगा, आपका मोबाइल आप ऑनलाइन हो, और ये गाड़ी आप कहीं भी ले जाके चला सकते हैं। इसमें पेट्रोल डीजल फुल होता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये गाड़ी जो है पेट्रोल से चलती है, और पेट्रोल नहीं होता इलेक्ट्रिक है, और ये कहीं पार्क होती है। जो भी इस गाड़ी को चलाता है उसको तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस गाड़ी में। तो देखिए, हमारे देखते देखते एक भाई साहब आ गए हैं, ये गाड़ी उन्होंने ऐप में बुक किया है। अब इनके पास लाइसेंस है, ये भाई साहब, आप, मैं नाम पूछता हूँ, ये बता देंगे, आप जान लीजिए क्या होता है, ये सारे बता देंगे। सर जी नमस्कार। चोरी फ्रॉम नेपाल। लुक, नेपाली तो यार बहुत हैंडसम होते हैं यार, देखिए ये बहुत अच्छे खानदान से लगते हैं यार, खाते पीते करके लगते हैं। व्हाट इज योर नेम सर? हेमंत घिमिरे। ओके, ये हेमंत घिमिरे ब्राह्मण लगते हैं। ब्राह्मण हैं आप? वेरी गुड। क्षेत्रीय, ये क्षेत्रीय आदमी है। देखिए, क्षेत्रीय आदमी ईमानदार होता है, ये तो उनको पता है। लेकिन भाई साहब, ये गाड़ी आप लेके जा रहे हैं? हाँ जी, मैं अभी लेके जा रहा हूँ। अच्छा, कुछ बताएंगे? मैं बता ही रहा था कि ये गाड़ी ऐसी ऐसी होती है, लेकिन आप आ गए तो कैसे चलाते हैं आप, किसको दिखाइए, क्या बना रहे हैं? ये देखिए, ऐप दिखा रहे हैं। इसमें ऐप होता है, लेकिन थोड़ा जोर से बोलेगा, ये आप लोग दुनिया देख रही है, ये इसमें ऐप है ये। ओके, लेकिन फिर फ्यूल कम है, अभी मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। आपको कैसे पता है इसमें फ्यूल कम है? 15 बस नहीं जा रहा फ्यूल। ओके, आपको कहाँ जाना है? मेरे को जबलेल जाना है। ओके, तो आप ये गाड़ी ले जा सकते हैं आप? हाँ, किसी पूछने की जरूरत नहीं है? नहीं, अभी मैं इसमें क्या किया, थोड़ा ढंग से बताइए सर। आप हिंदी तो बोलते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। यार अंग्रेजी में बोले तो कोई बात नहीं यार, नेपाली में बोले तो भी चलेगा। इसको जस्ट लोकेशन जाके सेलेक्ट करना, देखिए आप इधर जाके। ओके, तो अभी ये गाड़ी इधर है, जो गाड़ी आप दिखा सकते हैं इधर जी, ये जो गाड़ी है ना। हाँ, ओके, हाँ। ये लोकेशन में है जी। ओके, अब मैंने सेलेक्ट किया Mitsubishi AXS फ्री फ्यूल एंड पार्किंग। क्या है फिर से पढ़ के बताना? ये Mitsubishi AXS गाड़ी का नाम है, गाड़ी का मॉडल है। ओके ओके, तो अभी मेरे को ये ड्राइव करना है, सो एवरीथिंग विल बी हियर। ओके, लाइक द टोटल फ्यूल, द चार्जेज एंड एवरीथिंग विल बी हियर। लेकिन ये ओनर बन के चला जाएंगे, क्यों? दुबई में ये गाड़ी जो है सब जगह खड़ी होती है, जिस बंदे को लेना चाहिए, जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसको दुबई के बारे में मालूम है, ये मैप भी खुद ही बताता है, इसमें कुछ ऐप्स एप्लीकेशन लगा होगा, स्क्रीन भी लगा होगा, बट आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लाइसेंस है, आपके जेब में थोड़ा सा पैसे हैं, आपके पास गाड़ी में टैक्सी में नहीं जाना चाहते, मेट्रो का टाइम नहीं, अभी बस नहीं मिलेगा, ये गाड़ी दुबई के अंदर कहीं भी जाके कहीं से भी ले जा सकते हैं, और कहीं भी जाके ले जाके आप पार्किंग में खड़े कर दें और अपने घर चला जाएँ, आपका ये सरदर्दी नहीं है। तो ये मैन जी जो दरवाज़ा खोल के दिखा रहे हैं, अभी ये लेके जा रहे हैं, देखिए अभी हम लोग बड़दुबे में हैं और ये लेके जा रहे हैं जबला ले जाने के बाद आप क्या कहीं पार्किंग करके छोड़ देंगे या घर पे लेके रख देंगे या किसी को देंगे? क्या आप पार्किंग में जाएंगे, राइट? ओके, तो इसका कितना पैसा आएगा, जैसे क्या पैसा कैसे पे करते हैं आप? पर मिनट, लाइक इसका रेट है पर मिनट 1.55, यानी 1.55 2 रुपये से कम हो गया, 2 दिरहम से कम पर मिनट। अगर मैं जबलेल भी आधा घंटे के अंदर पहुंच गया तो ऑलमोस्ट 40-45 दिरहम में ये गाड़ी में बुक कर 45, यानी आपने देश का तो हो गया यार बॉस, यार कैलकुलेट करो यार कितना पैसा होता है आपके देशों। देखिए ये बढ़ गया, तो अब ये स्टार्ट होगा, अब ये तो अपने घर जाएंगे, मेरे को तो लेके नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए चाबी कहाँ था, इनका चाबी देखो यहाँ पर रखा था, इन्होंने क्या किया, मोबाइल से टच किया, दरवाज़ा खुल गया, सेंसर लॉक है, ऑटोमेटिक ऐप से कनेक्शन, देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए स्टार्ट भी हो गया,
अब देखिए इतना मजे का बात है दोस्तों, आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करो यार, ऐसा ऐसा चीज़ लेके आता हूँ। ये हेमंत जी देखिए बंद करेंगे, मैं तो पैदल चला जाऊँगा, गरीब आदमी, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस होता तो मैं भी चला सकता। अब इनके पास लाइसेंस थे, ये महाजन आदमी बन गए, ये मारवाड़ी बन गए, कुछ भी समझ लो यार, ये अभी की मालिक यही है इस गाड़ी के। हेमंत जी आप बंद करके जा रहे हैं, थैंक यू, देखो अब ये चला जाएंगे और मैं पैदल चला जाऊँगा यार, बात तो यही है इनके पास लाइसेंस था। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मेशन, गुड नाइट। सर शीशा खोलेंगे, जरा शीशा खोलेंगे, ये वाला आगे के खोले सर। सर आप ये जितना भी हमारे व्यूअर्स की क्या बोलना चाहेंगे सर? ये सबसे अच्छा है, आप यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस ले लो जी, आप ऐसा यू ड्राइव करीम बहुत गाड़ी मिलेगा, आप मतलब बिना खर्चे में कार का मालिक बन जाते हो? बन जाते हो थोड़ी देर के लिए, चाहे 5 मिनट हो चाहे 1 दिन भर के लिए हो, सही है, जब भी चाहो हो सकते हैं। ओके तो बाय द वे, तो अभी आप जा रहे हैं, आपके यात्रा शुभ रहे, और राजकुमार टराली यूट्यूब चैनल क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करो, फॉलो करो, आप ही करो यार। ओके बाय बाय सर, गुड नाइट। देखिए सर जा रहे हैं गाड़ी, गुड नाइट सर, अभी गाड़ी लेके चले गए, देखिए ये मालिक बन गए, मैं तो देखते ही रह गया भैया, देखिए ये चले गए, अब ये जहाँ जाएंगे ऐसे खड़ा कर देंगे, किसी ने यहाँ लेके खड़ा किया था तो वो भी मालिक बन के आया होगा, तो मज़ा आ गया सर, ये अच्छा बात लगा। तो आज का इन्फॉर्मेशन था यू ड्राइव का सिस्टम दुबई में। अब मैं पैदल जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर अब रात का टाइम हो गया 12 बजे, देखिए यहाँ पर होटल दिख रहा है और ये सारे डिस्कोज वगैरह चलता है। दुबई तो रात का सिटी है, रात में बहुत ज़्यादा चमक झमक है दुबई में, और यहाँ पर आप अगर चाहो तो दुनिया यहीं मिल सकती है। दुबई के अलावा फ्रीडम कंट्री और अच्छा कंट्री और कोई नहीं है, जो आदमी इंजॉय भी करना चाहता है और मस्ती मज़ा करना चाहता है, यहाँ सारे कुछ मिलते हैं आपके, और सारे दुनिया के लोग मिलते हैं। ये कंट्री ऐसा है कि ये मल्टी कल्चरल बन गया है, वैसे तो ये इस्लामिक कंट्री है, और ये इस्लाम कंट्री में वैसे तो बहुत कठोर होना चाहिए। अभी कतार भी थोड़ा सा फ्रीडम होने जा रहा है, सऊदी भी थोड़ा सा सुनने में आता है कि थोड़ा सा फ्रीडम होते होते जा रहा है वुमन राइट के लिए, लेकिन सऊदी वगैरह जाएंगे तो आप ऐसा खुले घूम नहीं सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ जैसे खींच रहा हूँ, ये शायद सऊदी से संभव नहीं है। अभी जो दुबई का नज़रिया है जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप वाला जैसे ही है, क्योंकि यहाँ पर आपको वैसे इस्लाम कंट्री बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पर फ्रीडम है लोग, यहाँ पर आदत है लोग, यहाँ पर घूमने फिरने वाले, खाने पीने वाले सारे आदत हैं, यहाँ दोस्ती से लेके और मीटिंग से लेके, डेटिंग से लेके, सेटिंग से लेके बहुत खुली है, और वैसे तो इलीगल नहीं है, इलीगल है, लेकिन इलीगल में भी बहुत आपको सकता नहीं है। जब आप गलत करते हैं, कुछ पकड़ा जाते हैं, तो फिर छोड़ने वाला कोई है नहीं, कानून के ऊपर यहाँ पर कोई नेता का सिफारिश नहीं चलता, किसी का रिक्वेस्ट नहीं चलता, किसी का हमदर्दी नहीं चलता, तो ये कंट्री ऐसा है। तो आज मैंने यू ड्राइव के बारे में थोड़ा सोचा था, एकदम से याद आ गया, तो मैंने कहा ये करते हैं। और मैं चलते चलते आगे एक चीज़ दिख रहा है, आगे दिख रहा है ये, आपको कहीं कहीं पढ़नी अगर आ रहा है तो पढ़ लीजिएगा, अफ्रीकन स्ट्रेन, यहाँ पर ये बोर्ड देखने को मिल सकता है आपको, अफ्रीकन स्ट्रेन, ये अफ्रीकन स्ट्रेन जो है यहाँ का, ये वाइन लिकर शॉप है जैसा आपको ये देखने को मिल रहा है, देखिए ये अफ्रीकन स्ट्रेन, ये लिकर शॉप, ये बहुत बड़ा होता है, यहाँ अगर 10 ट्रक भी डाल दो तो 10 साल जाता है। ये क्या है? ये दुबई का इलीगल दारू बेचने वाला स्टोर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑल ओवर बेचता है। वैसे दुबई में दारू नहीं मिलता बोलते हैं लोग, मिलता है, मुस्लिम कंट्री है, यहाँ बोलते हैं कि मुस्लिम कंट्री में पोर्क जो है, सूअर का मीट खाने वाले को भी अलाउ है, सब जगह नहीं मिलता, लेकिन जहाँ मिलता है नॉन मुस्लिम के लिए बोल के बोर्ड लगा रहता है, वहाँ पर ये भी मिलता है। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों यार यहाँ पर ये जो है इलीगल कंट्री, कुछ भी करो इलीगल माना जाता है, लेकिन छुप के सब कुछ करते हैं यहाँ पर, यार दारू पीते हैं लोग, दारू बेचने वाले भी हैं, घर बेचने वाले भी हैं, लोग बेचने वाले भी हैं, यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट भी इतने ही हैं, कॉल गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा ऐसा दुनिया का सारे कुछ करतूत करने वाले लोग भी हैं, लेकिन बच के करते हैं, मिल जाएंगे ना भाई साहब, ये करना मना है यहाँ पर, या तो आप सीधे कंट्री से बाहर हो जाएंगे, या तो फिर आपके बैंड हो जाएंगे, या फिर आपके काफ़ी बड़ा हैवी पैनल हो सकता है। अभी रेड लाइन में गाड़ी खड़ी है, तो ऐसे ऐसी है, और मैं किसी दिन टैक्सी के ऊपर बात करूंगा आपसे,
डिटेल में टैक्सी की लाइफ कैसा है, टैक्सी में चढ़ने वाले लोग कैसे सुविधा लेते हैं, जो भी है मैं सारे बताऊंगा। तो अब तक के लिए यही मैं बोलूंगा दोस्तों, मैं चल रहा था तो जो आंखों देखी हाल मैं वही बता रहा हूँ। मैं चल रहा था, आज एक प्रोग्राम था, एक 17 सितंबर को एक प्रोग्राम है, म्यूजिक प्रोग्राम। उस म्यूजिक प्रोग्राम के लिए जो है मैं लीडिंग हो रहा हूँ। तो एक एनजीओ है, उन्होंने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिए, तो उसके लिए मीटिंग में था। जब मीटिंग ख़त्म हो तो खान पीन में बैठ गए, जब खान पीन में बैठ गए तो हम लोग निकल रहे थे, तो फिर मैंने रास्ता में जो देखा वो खींचने शुरू कर दिया। एक भाई हैं, देखिए डिलीवरी हैं, बाइक में खाना पहुँचाते घर घर, तो टैक्सी जो आ रहा है, हेलो ब्रो हाउ आर यू, चलो इन्होंने मेरे को देखे हाँसा तो बात करते हैं, गुड ओके, वो बोले नहीं चाह रहे हैं कोई बात नहीं, तो मेरे को हाथ उठाया उन्होंने हंसते हुए। मुझे लगता है कि वो अरबी बोलने वाले बंदे, हिंदी नहीं बोलते, अंग्रेजी नहीं बोलते तो उनको मुश्किल होती है। कुछ लोग